बेरोजगार भत्ता और स्थानीय भर्ती को लेकर युवा मोर्चा ने कलेक्टर कार्यालय के मुख्य गेट में जड़ा ताला। बेरोजगार युवाओं को चुनावी मुद्दा बनाकर प्रदेश के युवाओं को बेरोजगारी भत्ते के नाम पर प्रदेश के युवाओं को धोखा देने वाली प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ रोजगार कार्यालय घेराव एवं तालाबंदी करने जिले के हजारों युवाओं ने नया बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन कर रोजगार कार्यालय का घेराव कर हल्ला बोला एवं तालाबंदी किया। बेरोजगार भत्ता और स्थानीय भर्ती को लेकर युवा मोर्चा ने कलेक्टर कार्यालय में मुख्य गेट में जड़ा ताला। युवाओं में इतना आक्रोश दिखा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छत्तीसगढ़ के युवाओं की मांग रोजगार देने व लबारी करना बंद करो भूपेश सरकार के साथ आक्रोश में हल्ला बोला। नया बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन कर रैली निकालते हुए रोजगार कार्यालय तक नारे लगाते हुए भूपेश सरकार झूठ बोलना बंद करो, बेरोजगार युवाओं को रोजगार कब तक देंगे, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 4.5 साल का 1,35,000 देने की मांग की है। युवाओं को संबोधित करते हुए महेश गागड़ा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के जन घोषणा में 36 घोषणा पत्र को गंगाजल का कसम खा कांग्रेस सत्ता में आने के बाद जीतने वादे और घोषणाएं किए सबके सब धरे रह गए। महिला स्वयं सहायता समूहों का कर्जा माफ नहीं किया, हर युवा को रोजगार देने का वादा किया था, बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपये नहीं दिए, प्रशिक्षु को 10,000 रुपये शासकीय भत्ता नहीं दिया गया, सभी लोगों को मुफ्त दवा और इलाज सिर्फ घोषणा ही रह गया। किसानों के लिए बनाई गई योजना गोधन न्याय योजना महज एक चुनावी जुमला बनकर रह गया, बुजुर्गों को 1500 रुपये पेंशन नहीं दिए। महेश गागड़ा ने क्षेत्रीय विधायक विक्रम मंडावी पर निशाना साधते हुए कह कमीशन और ठेकेदारी करने में लगे हुए हैं, इसलिए क्षेत्र की विकास नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीनिवास मुदलियार, जिला उपाध्यक्ष लव कुमार रायडू ने भी युवाओं को संबोधित किया। गंगा जल कसम खाई कांग्रेस सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी, अब 5 साल होने जाना है पूर्ण नहीं कर रहा है। आज जो उन्होंने घोषणा किया है अभी बजट सत्र में आधा आधा हो रहा है, जिस तरह से कोई भी छत्तीसगढ़ के युवा बस्तर बीजापुर के युवा उस बेरोजगार भत्ता सेंडिंग नहीं आएगा, जिसको लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में आज जिला कार्यालय के क्योंकि कमांड कार्यालय है यहीं पे कलेक्टर के साथ में बैठते हैं, पर भ्रष्टाचार तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा किसान मोर्चा एसटी मोर्चा आदिवासी मोर्चा तमाम लोग आज रैली में आए थे और जिस तरह से प्रदेश ने आह्वान किया था तालाबंदी करने का, आज कलेक्टर कार्यालय का हम तालाबंदी करके चेताना चाहते हैं कि जो वादा किया है वादा पूरा करना पड़ेगा, रोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देना होगा और जो बस्तर सरगुजा में जो स्थानीय भर्ती का प्रतिबंध लगा हुआ है उसको बहाल करना होगा। आज युवा कहां से रोजगार भत्ता मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता कहां से मिलेगा, महिलाओं को पेंशन कहां से मिलेगा, अनियमित कर्मचारी नियमित करने का घोषणा किया था, चतुर्थ कर्मचारियों को नियमित करने की घोषणा किया था, किसान भाइयों का कर्जा माफ करने की घोषणा किया था और 2500 रुपया बोनस देने की बात किया था। किसानों को बोनस छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में जो तंतु पत्ता संग्राहक परिवार को जो बोनस मिलता था बोनस भी खा गए, साड़ी खा गए, जूता तक खा गए, चिलचिलाती धूप में पैर में छाले पड़ रहे हैं, आज तो आज कर्मचारी को डीए तक खा गए। आज पटवारी लोग बीच में गए थे, उन्होंने कहा कि आपकी सरकार के समय जितना हमको वेतन बढ़ गया उसके पास 4 साल में सिर्फ 5% मिला है, आज जाके उन्होंने हड़ताल में बैठा है, भारतीय जनता पार्टी समर्थन मांगा है। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोग जहां भी बैठते हैं भूपेश बघेल का बीवी बैठता है तुरंत हड़ताल खत्म करा देता है। सचिव संघ ने 58 दिन हड़ताल में बैठा, जब देखे लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों